हेलो दोस्तों, आई एम रवि तोमर, यू वॉचिंग ऑटो एक्सपर्ट इंडिया। तो भाई आज हम अपनी XUV 300 के MX1 पेट्रोल वेरिएंट का नेगेटिव पॉइंट्स बताएंगे। इसमें क्या कुछ नेगेटिव मिल जाता है, ओवरऑल इस गाड़ी में क्या कुछ नेगेटिव मिल जाते हैं, जितने भी मुझे अभी तक फील हुआ है। अभी तक मैं लगभग 1 मंथ होने वाला है, 26 तारीख को 1 मंथ हो जाएगा। तो इतने टाइम के अंदर मैंने इसमें क्या नेगेटिव फील किया है और क्या चीज़ें थोड़ी सुधर सकती थी या कुछ में थोड़े और अच्छा किया जा सकता था, तो वो सब बताएंगे। पॉजिटिव पॉइंट वाला अगर वीडियो देखना है तो वो लिंक दे दूंगा मैं, तो वहाँ पे जाके देख सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं चलो इसके बूट स्पेस से। अब कंपनी का मानना है कि इसमें बूट स्पेस देते हैं 364 लीटर का, ठीक है। ये एक्चुअली अभी हमने ये पॉलिथीन ये सब हटा दी क्योंकि गर्मी ज़्यादा बढ़ने लगी है, तो ये फिर चिपक जाते हैं और बहुत पसीना वगैरह आता है। 364 लीटर का बोलते हैं ये लोग, पर एक्चुअली प्रैक्टिकली देखा जाए तो मुझे नहीं लगता 364 का है। जो पुरानी वाली थी उसके जैसा ही 293 या 292 का ही मुझे लग रहा है, क्योंकि ब्रेजा मेरे पास ऑलरेडी है उसमें 328 का है। उसके बावजूद इससे ज़्यादा उसमें स्पेस मुझे लगता है, क्योंकि जब लगेज रखते हैं वो सब, लगेज रख के ट्राई करके मैं आपको दिखाऊंगा। और तो ये यहाँ पे थोड़ा इशू है, वो डेफिनेटली आपको फील होने वाला है। और दूसरा जो पॉइंट है वो आ जाता है आपको इसकी लेंथ को लेके। प्रीवियस जो आती थी उसमें 3995 mm का लेंथ था गाड़ी का, इसका उन्होंने कम किया है, 3990 mm का कर दिया है, 5 mm का इन्होंने कम किया है। हालांकि कम नहीं करना चाहिए था मेरे हिसाब से, तो ज़्यादा बेटर रहता और तो ज़्यादा अच्छा स्पेस मिल सकता था बूट में थोड़ा। एक चीज़ हालांकि काफ़ी अच्छी की है इन्होंने, जो आगे चल के बताएंगे। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो ये है स्पेयर व्हील। वहाँ भाई यहाँ तो पूरा स्कैम ही कर दिया इन्होंने, इतना पतला टायर है कि आप क्या ही बोलो। ये देखिए कि आप इसको नॉर्मल कंडीशन पे चला ही नहीं सकते। अगर कहीं पे ऐसे फंस गए, गाड़ी ज़्यादा चलानी पड़ रही है 100-200 किलोमीटर, तो आप नॉर्मल कंडीशन पे गाड़ी को चला ही नहीं सकते हो। तो बहुत, जैसे ये हमारा टायर है 17 इंच का, इसका हाफ समझ लो, मतलब इसकी विड्थ में हाफ समझ लो, इतना इतना पतला दे दिया। ऐसा बाइक का लगता है जैसा बुलेट में आता है आपको, उस हिसाब से टायर प्रोवाइड किया है, वो भी 16 इंच का। 16 इंच का तो ठीक है क्योंकि बेस मॉडल में 16 इंच के ही टायर आते हैं। तो एक पॉइंट ये हो गया, आपको स्पेयर व्हील का यूज ना के बराबर ही समझ लो, आपको साइकिल की तरह चलानी पड़ेगी अगर कहीं कुछ अटकता है तो। अब बात करते हैं अंदर की, तो ये देखिए फिट एंड फिनिश अंदर का कुछ खास नहीं है। जहाँ जगह जगह पे आपको ये नज़र आने वाला है, जैसे देख सकते हो ये निकल रहा है यहाँ से, एंड अगेन यहाँ पे देखो ये निकला हुआ है आधा पार्ट, अगेन दिस वन, ये देखिए लॉक वगैरह भी प्रॉपर कहीं पे फिट ही नहीं होते हैं। तो ये यहाँ पे कुछ तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है फिट एंड फिनिश में। और दूसरी चीज़ ये देखिए, ISOFIX 4 लॉक है पर ये निकला ही बना रहता है, तो मैं उसको 2-4 बार अंदर डाल चुका हूँ सीटिंग का। सीट हालांकि कंफर्ट है सीट, पर सीट भी उतना ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए था। अब लोग बोलेंगे कि 8-7.5 लाख में आपको क्या ही चाहिए, बट इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि फिट एंड फिनिश थोड़ा सुधारो। कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी में, हालांकि एक्सटीरियर से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एक्सटीरियर से काफ़ी अच्छा लगता है, कोई भी दिक्कत नहीं है एक्सटीरियर से कहीं भी। फिट एंड फिनिश भी एक्सटीरियर में जो भी है काफ़ी अच्छा है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। इंटीरियर में थोड़ा फिट एंड फिनिश में थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं है। और दूसरी चीज़ बोलूं यहाँ पे तो ये देखिए कहीं कहीं पे गैप एक जैसा नहीं, यहाँ पे देखिए गैप कितना ज़्यादा है, इधर देखिए ऊपर जाते जाते गैप कम हो जा रहा है। ये भी चलो कोई दिक्कत नहीं, इतना मालूम नहीं पड़ता है बाहर का, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट इंटीरियर में जो 2-3 चीज़ पॉइंट्स हैं वो थोड़े हैं। और एंटीना मेरे हिसाब से दे देना चाहिए था इस वेरिएंट में, कैसा भी एंटीना नहीं आता। हालांकि वायरिंग एंटीना की देनी चाहिए थी, FM वगैरह किसी को बजाना, तो इसमें वायरिंग वायर नहीं आता है, तो ये अपना सिर्फ डमी लगा हुआ है, ये वर्किंग नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं आता है। तो वो आई थिंक सुधर सकता था थोड़ा। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें अपने तो वो है अंदर इंटीरियर में डेड पेडल का। तो इस गाड़ी में डेड पेडल आपको नहीं मिलता है, जो कि मेरे सबसे हाईवे पे बहुत ही कन्वीनियंट रहता है। जैसे मेरे पास ब्रेजा है उसमें डेड पेडल दिया है, तो मुझे बहुत ही रिलैक्सिंग फील होता है हाईवे पे जब मैं क्रूज़ कर रहा होता हूँ, क्योंकि इसमें बेस मॉडल है तो इसमें ये सब क्रूज़ कंट्रोल वगैरह नहीं आते हैं, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से।
तो ज़्यादा सही रहता। उसको नहीं देने का रीज़न शायद ये हो सकता है क्योंकि सेंटर कंसोल का इसका है ना वो ब्रॉड ज़्यादा है, तो इस वजह से वहाँ पे स्पेस ही नहीं बचता है, तो वहाँ पे देंगे कहाँ से। ये देखिए थोड़ी फिनिशिंग का तो यहाँ पे थोड़ा है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सबसे इरिटेटिंग जो लगता है, हालांकि इसमें ये बोतल होल्डर में कहीं भी अपने बोतल रखते हैं, ये बहुत ही अनोइंग सी आवाज़ आती है। किसी भी बोतल होल्डर में कुछ भी अगर रखा हो तो ये बोतल फिक्स है ऑलरेडी, फिर भी ये बजता रहता है। तो हालांकि ब्रेजा में भी मैं रखता था उसमें आवाज़ नहीं आती थी क्योंकि वो ये थोड़ा हार्ड होता ना ये वाला ये पार्ट, ये बहुत ही हल्का पार्ट है, तो जिसकी वजह से ये ऐसा होता ही रहता है। तो इसको मुझे यहाँ पे निकालना पड़ता है या टिश्यू वगैरह लगाना पड़ता है, तो ये थोड़ा मेरे लिए इशू है, दूसरे के लिए हो नहीं हो मुझे नहीं पता। एंड सबसे ज़्यादा जो इरिटेटिंग वाला है वो है ये IRPM। भाई ये एडजस्ट भी नहीं होता, एडजस्ट मतलब बिल्कुल ही सादा है, कुछ होता ही नहीं है इस पर। इतना बकवास मतलब IRPM कौन देता है यार, कुछ भी नहीं होता है इसमें। एटलीस्ट जो ब्रेजा का है वो थोड़ा बड़ा भी है, एडजस्ट अच्छे से होता है। ये देखिए यहाँ पे बहुत ही बकवास दिया है, कुछ भी है नहीं यहाँ पे, टिकट होल्डर भी कुछ नहीं मिलता है। ये तो चलो अलग बात है यहाँ भी। और नेक्स्ट पॉइंट, अलग ये मैं नेगेटिव पॉइंट नहीं बोलूँगा पर कुछ लोग बोलते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं या लोअर RPM पे होते तो ये थोड़ा सेक होता है, ऐसे 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 थोड़ा थोड़ा हिलता है जैसे स्टार्ट करते हैं। आपको मैं स्टार्ट करके बताता हूँ, जैसे अभी गाड़ी बंद है, अभी इसको स्टार्ट करते हैं, ये देखिए कुछ इस तरह से। तो मैं ये समझता हूँ क्योंकि ये देखो 3 सिलेंडर इंजन है, टर्बो चार्जर लगा है, जब एक छोटी सी चीज़ से ज़्यादा पावर निकाली जाती है ना तो उसमें कुछ कुछ कमियाँ तो रह जाती हैं। पावर अच्छी है नो डाउट, बहुत अच्छा पंच आता है गाड़ी में, 6 स्पीड गेयरबॉक्स है, जब आप हाईवे पर चलते हो बहुत मज़ा आता है, लिटरली मैं बता रहा हूँ बहुत मज़ा आता है। लेकिन उसके साथ में आपको ये छोटी छोटी कमियाँ तो आ रहती है, जैसे माइलेज उसमें इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, फिर ये जैसे गियर का सेक होना, ये भी थोड़ा थोड़ा इस सेगमेंट में जितनी भी थ्री सिलेंडर इंजन है उसमें सब में ये थोड़ा बहुत है ही, ऐसा नहीं है किसी में नहीं है, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रहता है। वो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है लाइटिंग का, जो नाइट में बहुत ही अहम रोल निभाती है ड्राइविंग पे। बेस मॉडल में हालांकि बेस क्या ले लो, X3 Pro तक में ले लो जिसमें आपको फॉग लैंप नहीं आते हैं, लाइटिंग का थ्रो इसका इतना बकवास है, मैं नाइट का लाइटिंग का कंप्लीट एक रिव्यू देने वाला हूं आपको बहुत जल्दी, क्योंकि नाइट का टाइम सेट नहीं हो रहा है, कंप्लीट रिव्यू दूंगा आपको। लाइटिंग इतनी ख़राब है भाई, आपको लाइट अपग्रेड करवानी ही पड़ेगी, यहाँ पे आपको LED डालना पड़ेगा या फिर हायर वॉट का, और यहाँ पे फॉग लैंप डालने पड़ेंगे। लाइटिंग बहुत बकवास है कसम से, DRL प्रोजेक्टर वो सब बराबर ठीक बात है, लेकिन लाइटिंग रात को लाइटिंग विजिबिलिटी चाहिए होती है वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो वहाँ पे कंप्लीट आपको इशू आने वाला है। तो मुझे इतने प्रॉब्लम्स में लगते हैं और इससे ज़्यादा मुझे कुछ इसमें नेगेटिव दिखा नहीं है। माइलेज का एक कंसर्न है, माइलेज में एक्चुअली कैसा है कि गाड़ी इतनी पावरफुल है, 3 सिलेंडर टर्बो चार्जर इंजन दिया है इसमें, 110 BHP 200+ Nm का टॉर्क जनरेट करती है, तो माइलेज कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, गाड़ी का वेट ज़्यादा है, सेफ्टी में बहुत टॉप नॉच गाड़ी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव पॉइंट्स जो मुझे अभी तक फील हुए हैं मैंने वो बताए हैं, 1 मंथ लगभग 25 दिन हुए हैं मुझे, 25 दिन में मैंने इतना कुछ फील किया है वो मैंने आपको सबको बताया। बाकी गाड़ी ओवरऑल बहुत अच्छा पैकेज है। एंड एक कुछ और पॉइंट हैं, जैसे आपको कलर ऑप्शन ज़्यादा नहीं मिलते हैं बेस वेरिएंट में, तो वो तो कोई भी ब्रांड में जाते हो आप तो बेस वेरिएंट्स में इतना सस्ता रखते हैं तो वो ज़्यादा ऑप्शन नहीं देते हैं, कोई भी कंपनी जाती है उसके अपर वेरिएंट्स ज़्यादा सेल हो तो उनको ज़्यादा पैसे कमाने को मिले हैं। और वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा है इस गाड़ी पे, क्योंकि वही सीधी सी बात है कि वो कंपनियाँ छोटी जो लोअर वेरिएंट्स होते हैं उनको जल्दी नहीं डिलीवर करते हैं, ताकि क्योंकि उनको बड़ी वो हायर वेरिएंट्स बेच के उनको ज़्यादा स्टार्टिंग में कमाना होता है, जैसे जैसे थोड़ा टाइम जाएगा तो आपको मिलने लगेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा पेशेंस रखो गाड़ी मिलेगी। तो ये मेरे हिसाब से मुझे नेगेटिव पॉइंट लगे हैं। अब आपको अगर कुछ लगता है गाड़ी में, आप साउंड की बात करें तो साउंड इसका बहुत ही प्यारा है, टोटल अच्छा आता है, हालांकि यहाँ पे अभी कोई है नहीं मैं आपको जो सुना पाऊँ इसका थॉट, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ मैं चालू करके, क्योंकि कोई होता तो मैं उसको एक्सीलेटर दिलवा के पीछे से आपको सुना के दिखाता, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ आपको। ये देखिए साउंड आपको बहुत ही प्यारा आता है, स्पोर्टी टाइप का, तो आपको इरिटेटिंग नहीं लगेगा जैसे गाड़ियों में कैसा होता है इंजन ट्रैक्टर की तरह साउंड आता है, वो नहीं है, बहुत ही प्यारा सॉफ्ट सा आपको
साउंड मिलने वाला है इस गाड़ी में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इतने सारे मुझे ये सब नेगेटिव पॉइंट्स मुझे अभी तक फील हुए हैं, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं लगा है। एंड हाँ, अगर आपको कुछ लगता है कुछ छूट गया है इसमें, मैंने कवर नहीं किया है, तो आप बता सकते हो कमेंट के अंदर। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।